साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार। हते पराई आत्मा जीव बांधि तरवार। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कोई साधु हो गया तो उससे क्या होता है, यदि वह विचार पूर्वक नहीं बोलता है और अपनी जिह्वा में असत्य एवं कटुवचन रूपी तलवार बांधकर अन्य लोगों की आत्मा का हनन करता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, तकलीफ देता है। दुनिया में कटुवचन किसी को प्रिय नहीं होता है, परिचित अपरिचित, घर बाहर छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बूढ़े बालक, कोई भी हो, कटुवचन असत किसी को प्रिय नहीं होते। इसलिए हम स्वयं असत्य ना बोलें और कटु वचन ना बोलें। इस साखी में सद्गुरु कबीर मुख्य रूप से साधुओं को कहते हैं। कोई साधु तो हो गया, साधु का वेश तो पहन लिया, लेकिन विचार पूर्वक नहीं बोलता है और कटु वचन रूपी तलवार बांधकर दूसरे को तकलीफ देता है, तो उसकी साधुता बेकार है। यह भी मानना पड़ेगा कि सत्य वचन ज्यादा मीठा नहीं होता, सत्य में कुछ कड़वाहट होती है, और कड़वाहट इसलिए होती है कि हमारे मन में असत्य के प्रति प्रेम रहता है, झूठी वाणियों के प्रति मोह होता है, और जितना असत्य के प्रति प्रेम, झूठी वाणियों के प्रति मोह होगा, सत्य उतना कड़वा लगेगा। जिस दिन हमारी दृष्टि निष्पक्ष हो जाएगी, असत्य के प्रति प्रेम और मोह टूट जाएगा, उस दिन सत्य वचन कड़वा नहीं जान पड़ेगा। लेकिन अपेक्षा कुछ कड़वाहट होती है सत्य वचन में, इसलिए सत्य बात को भी जितना बन सके मिठास कहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे साधु होते हैं जो दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं करते, वे सत्य के जोश में एकदम खंडन में डट पड़ते हैं, लेकिन सीधा सीधा खंडन करो, दूसरे की भावनाओं का ख्याल न करो, तो आप उसमें सफल नहीं होगे। पहले अपने अच्छे व्यवहार से, विनम्रता से, सेवा से, प्रेम से दूसरे के दिल को जीतो, और किसी के दिल को जीत लेने के बाद आप कड़वा कहोगे तो कड़वा वो सत्य फिर कड़वा कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि तब किसी के दिल को जीत लोगे, प्रेम हो जाएगा, तब वो कड़वा भी मीठा जान पड़ेगा। और अपने लिए प्रेम उत्पन्न नहीं किया गया, सदव्यवहार से दूसरे को खुश नहीं किया गया, और सीधे लाठी मार खंडन करोगे तो क्या होगा, दूसरे का दिल टूटेगा।
आपकी सही बातों को भी वो मान नहीं पाएगा, दूर हट जाएगा। इसलिए सीधे सीधे खंडन न करो, कट वचन कहकर किसी को दुखाओ मत। यहां साहब कहते हैं, हते पराई आत्मा जीव बांध तरवार, अपनी जिह्वा में तलवार बांधकर पराई आत्मा का हनन करते हैं। कैसे करते हैं? कितने ऐसे साधु हैं जो धर्म और ईश्वर के नाम पर झूठी झूठी कहानियां कहते रहते हैं। झूठी कहानियां मीठी तो लगती हैं, लेकिन उसे सत्य का बोध नहीं होगा, आदमी भटक जाता है। अब बहुत से ऐसे प्रवक्ता हैं, साधु वेशधारी हैं, जो अपनी कथा से लोगों के दिल को भावुक बना देते हैं, रुला देते हैं, हंसा देते हैं, लेकिन झूठी कहानियों के माध्यम से लोगों को भ्रम और कल्पना में भटका देते हैं। तो भ्रम और कल्पना में किसी को भटकाना पराई आत्मा का हनन करना है। सही रास्ता न बता पाओ कोई बात नहीं, गलत रास्ता क्यों बताते हैं? गलत रास्ता किसी को बताना पाप है, क्योंकि गलत रास्ते में जाकर के आदमी धोखा खाएगा। धर्म के नाम पर झूठी कहानियां, मिथ्या महिमा युक्त कहानियां, काल्पनिक कहानियां गढ़ गढ़ करके भ्रम कल्पना में उलझाना, ये तो लोगों को धोखा देना है। यही जिह्वा में तलवार बांधकर पराई आत्मा का हनन करना है। कह दिए कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुमसे अलग है, सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारो, सच्चे दिल से भगवान का नाम लो, रो गिड़गिड़ाओ और ये कहो कि हे भगवान तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो, तो निश्चित ही भगवान तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हारे पापों को दूर कर देगा, अपने धाम में ले जाएगा। बात सुनने में बड़ी मीठी, लेकिन है तलवार के समान धारदार, क्योंकि ऐसा कह करके लोगों को भटका दिया जाता है। कहीं कोई भगवान नहीं मिलने वाला है, लेकिन भावुक लोगों को लोग भका दे दिया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे जीव तो तुच्छ है, किंचिज्ञ है, अल्पज्ञ है, परिच्छिन्न है, जी में कहां शक्ति है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे करने से तो कुछ नहीं होगा, कितनी तपस्या करो, कितना बैराग करो, कितना ज्ञान करो, कितनी साधना करो, तुम अपना कल्याण कर ही नहीं सकते। भगवान की माया बड़ी जबरदस्त है, भगवान ने सब पर अपनी माया डाल दी है, और तो भगवान जब कृपा करेगा तभी अपनी माया को बुलाएगा, तब उद्धार करेगा। इसलिए अपने बाहुबल का भरोसा मत करो, अपनी साधना का, अपने वैराग्य का, अपने ज्ञान का भरोसा मत करो। अपने ज्ञान वैराग्य का भरोसा करोगे तो भटक जाओगे, भगवान को पुकारो तभी माया दूर होगी। इस प्रकार भावना में भटका देते हैं, ये भी जिह्वा में तलवार बांधकर पराई आत्मा का हनन करना है। और बहुत से साधु धर्म के नाम पर यही कहते रहते हैं, असत कटुवचन और भ्रम कल्पना की बातें बताकर लोगों को भटकाना पराई आत्मा का हनन करना है। दुर्भाग्य से धर्म के क्षेत्र में यही होता है। धर्म ईश्वर के नाम पर जब तक 75-80-85-90% झूठ न बोलो, तब तक लोग धार्मिक कथा मानते ही नहीं हैं। जो जितना ज्यादा झूठ बोले उतना बड़ा महात्मा और धर्मात्मा, मानो धर्म से और सत्य से कोई मतलब ही नहीं रह गया है।
तो ऐसे झूठी कहानियां कहने वाले महात्मा लोग अपनी जीभ में तलवार बांधे हुए हैं और लोगों को भटका रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। मैंने कहा था भी सही रास्ता ना बता पाओ, गलत रास्ता क्यों बताते हो? आपके पास किसी की भूख को दूर करने के लिए भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, अन्न नहीं देते हो तो उसे धूल माटी क्यों देते हो? उससे भूख थोड़े दूर होगी, नहीं है तो साफ कह दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए साहब कहते हैं कोई साधु हो गया, साधु का वेश पहन लिया और सही बात नहीं बता पाता, ज्ञान की बातें नहीं बता पाता, सही मार्ग नहीं दिखला पाता तो साधुता बेकार है। साधु का काम क्या है? स्वयं सही मार्ग पर चलना और दूसरों को सही रास्ता बताना, सही ज्ञान देना। साधु का काम है ज्ञान को खरीदना और बेचना। अन्य अपने से जो बड़े संत हैं, गुरु हैं, उनके पास जाकर के विनम्रता पूर्वक ज्ञान सीखना, सीख करके उसका जीवन में आचरण करना और फिर जनता को उसका उपदेश देना, ये साधु का काम। और ज्ञान के नाम पर अज्ञान बांटना ये साधुता के विपरीत है। अब जीभा में तलवार बांध करके परायण आत्मा का हनन करना है। हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट, चले गांव जहवा नहीं तहां उठावन कोट। हंस के मन में मानसरोवर को छोड़कर गंदे तालाब में बसने की वासना भावना खड़ी हुई। इसी प्रकार मनुष्य के मन में, जीव के मन में अपने स्वच्छ स्वरूप विचार को, सगुण सदाचार को छोड़कर देहाभिमान, विषय वासना, अहंता ममता में रमने की भावना खड़ी हो गई। जहां पर झोपड़ी का गांव भी नहीं बताया जा सकता, वहां जाकर के किला उठाना केवल दुस्साहस ही तो है। कहा जाता है कि हंस स्वच्छ मानसरोवर में रहता है, मानसरोवर झील बहुत ऊंचाई पर है हिमालय में, बड़ा स्वच्छ, बड़ा निर्मल, और हंस वहां निवास करता है और मोती चुगता है। हंस का काम ही है निर्छीर विवेक करना और मोती चुगना। यदि हंस के मन में यह भावना हो कि मैं अब इस मानसरोवर में नहीं रहूंगा, मोती नहीं चुगूंगा और जाकर के किसी छोटे और गंदे सरोवर में निवास करना करने लग जाए तो कितना दुर्भाग्य होगा, कितना उल्टा काम होगा। ये तो उदाहरण है, हंस ऐसा नहीं करता। साहब ने एक भजन में कहा भी है, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंस को जब मान सरोवर मिल गया, स्वच्छ झील मिल गया, तो गंदे ताल तलैया में क्यों भटकेगा? वो तो वहां पर रहेगा, मोती चुगेगा। साहब का उदाहरण है, हंस गंदे सरोवर में नहीं रहता। गंदा सरोवर में तो बगुला रहता है, मछली मेंढक पकड़ करके काल बन करके खाता रहता है, हंस ऐसा नहीं करता है, वह मोती चुगता है। आदमी हंस है, आदमी में निर्छीर विवेक की शक्ति है। जीव हंस है,
क्योंकि उसका स्वरूप स्वच्छ है, निर्मल है, निर्विकार है, शुद्ध बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है। लेकिन ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य स्वच्छ विचारों में, स्वरूप ज्ञान में, विवेक विचार में, सद्गुण सदाचार में रमना छोड़ दे और गंदे विचारों में रमना लगे, ये तो उसका अपना बनाया पतन है, अपना बनाया दुख का रास्ता है। अपनी शुद्धता को भूल करके अशुद्धता में प्रेम करना, दुख भोगने का तो काम करना है। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, संयम, सद्गुण, सदाचार, ये मानसरोवर है। स्वच्छ कह सकते हैं मानसरोवर की मूर्ति है। स्वरूप ज्ञान ये मानसरोवर है, इसमें नहीं रम करके संसारिकता में रमना, राग रंग विषय वासनाओं में प्रेम करना, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर विरोध कलह कल्पना, इनमें रमना। साहब कहते ये हंस का मानसरोवर छोड़ करके गंदे सरोवर में रमना है, और आदमी क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है। विवेक विचार, दया, क्षमा का जीवन में आचरण कहां करता है आदमी, कहां उसमें उसका मन लगता है, भक्ति में, सेवा में, सत्संग में, साधना में कहां मन लगता है। ज्यादातर तो कलह कल्पना में, राग द्वेष में, ईर्ष्या घृणा में, विषय वासना में आदमी अपने मन को रमाता है। संसारिक बातें उसे अधिक प्रिय होती है, इसी के लिए साहब कहते हैं हंसा के घट भीतरे बते सरोवर कोट, छोटा सरोवर बतने लग गया, मानसरोवर का प्रेम छोड़ दिया, सुख कैसे मिलेगा। हंस मानसरोवर को छोड़ दे और गंदे सरोवर में जाकर के रहने लगे तो उसे चैन कहां मिलेगा, मोती कहां मिलेगा उसमें, वहां तो कीचड़ है। मोती पाना है तो मानसरोवर में ही तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही अपने स्वरूप भाव को छोड़ करके देहाभिमान में रमने लग जाए, स्वरूप भाव में मन कहां रमता है, हर समय तो दिन रात देहाभिमान में मन रमा हुआ है, तो सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। इसमें कारण कोई दूसरा नहीं है, हर जीव अपना दुर्भाग्य स्वयं बनाता है। प्रेरणा देने वाले को दूसरे हो सकते हैं, लेकिन प्रेरणा का हम उपयोग करें या न करें तो हम पर निर्भर है। आवश्यकता है गंदे सरोवर का त्याग करना, और जब तक हम त्याग नहीं करेंगे अपने मनोविकारों का, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि का, और सगुण सहचार में मन नहीं लगाएंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी, कल्याण का काम नहीं होगा, आत्मज्ञान की तरफ रमन नहीं होगा, आत्मस्थिति नहीं होगी। चले गांव जहां नहीं तहां उठावन कोट, असंभव कल्पनाओं के बारे में साहब कहते हैं, जहां झोपड़ी भी नहीं बनाई जा सकती, झोपड़ों का गांव नहीं बताया जा सकता,
वहां जाकर के किला उठाना, उसके लिए प्रयत्न करना दुस्साहस मात्र ही तो होगा। झोपड़ी उठाने में बड़ी सरलता है, थोड़ी सामग्री में झोपड़ी खड़ी हो जाएगी, और किला बनाने के लिए तो बहुत बड़ा मैदान चाहिए, बड़ी सामग्री चाहिए, लंबा समय चाहिए। झोपड़ी खड़ी नहीं हो सकती है, वहां हम किला बनाना चाहें तो हमारी कामना पूरी कैसे होगी। साहब ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं उठती हैं जिन्हें हम कभी पूरा नहीं कर सकते। आदमी के मन में होता है कि मैं सदैव जवान हूं, हम अपनी जवानी को वापस लाना चाहें तो संभव कैसे है? बीते हुए समय को वापस लाना चाहें संभव कैसे है? शरीर को अमर बनाना चाहें तो संभव कैसे है? दुनिया के भोगों से परम तृप्ति चाहें तो संभव कैसे है? जो शरीर और संसार छन छन हमारे हाथ से छूट रहा है, पानी की धारा के समान निरंतर खिसकता चला जा रहा है, उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ कर रखना चाहें तो असंभव ही तो है। और हम चाहते यही हैं कि सब कुछ को अपनी मुट्ठी में, अपने अधिकार में पकड़ करके रखें। परिणाम क्या होगा? केवल धोखा खाना, अशांति की धारा में बहना, जो हो नहीं सकता वह करने की सोचना। इस धरती में हम चाहें तो स्वर्ग का राज स्थापित कर सकते हैं। स्वार्थ का त्याग करें, स्वार्थ का त्याग करके सेवा करें, अहंकार त्याग कर विनम्रता पूर्वक लोगों से व्यवहार करें। सेवा, विनम्रता, दया, क्षमा, करुणा का व्यवहार, मीठी वाणी, परस्पर एक दूसरे का सहयोग, सहनशीलता, इन सबके व्यवहार से घर परिवार समाज में स्वर्ग आ सकता है। और ये आदमी के हाथ में है, तो आदमी धरती स्वर्ग नहीं बनाना चाहता, मरने के बाद स्वर्ग जाकर सुख भोगना चाहता है तो कल्पना ही तो है, पूरी कैसे होगी? धरती पर जीना नहीं आता है और स्वर्ग में जाकर सुख भोगना चाहता है, ये कामना पूरी नहीं होगी। यही है, जहां झोपड़ी भी खड़ी नहीं हो सकती है वहां किला उठाना। शरीर कभी अपना नहीं हो सकता, उसको सब समय अपना बनाए रखने का प्रयास करना असंभव बात है। आदमी जो हाथ में है, जो कर सकता है वो नहीं करता, जो नहीं कर सकता है उसके लिए सोचता है और दुखी इसीलिए रहता है। जो नहीं हो सकता उसके बारे में सोचना बंद करें, जो हो सकता है वह काम करना शुरू करें, बस दुख खत्म। गंदा सरोवर का त्याग हो जाएगा, स्वच्छ समान सरोवर में निवास हो जाएगा। इस साखी में साहब दो बात बताते हैं, तुम्हारे मन में जो गंदे सरोवर में, गंदे विचारों में, दुर्गुण, दुराचार, दुर्वासनाओं में रमने की जो भावना हो गई, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, इसका त्याग करो। सद्गुण, सहचार, ज्ञान, भक्ति, विवेक, विचार, सुरूप विचार में रमो। और जो तुम्हारे अधिकार में है वह काम करो, असंभव कल्पना के पीछे दौड़ो मत और समय का दुरुपयोग मत करो। मधुर वचन है औषधि, ये साखी है ना, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर।
मधुर वचन औषध के तुल्य है, कटु वचन तीर के समान है, जो कान के रास्ते से प्रवेश करके पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाता है। दुनिया में आदमी ही ऐसा प्राणी है जिसके पास वाणी की शक्ति है। आदमी को छोड़कर मानवेतर प्राणियों के पास वाणी की शक्ति नहीं है, वे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते। प्रकृति की अद्भुत देन वाणी अनुपम वरदान कर सकते हैं आदमी के लिए। वाणी के कारण आदमी आदमी है, नहीं तो आदमी भी जानवर ही होता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आदमी वाणी का सही उपयोग करना नहीं जानता। इस वरदान को आदमी अभिशाप बना डाला है। चाहे कटु वाणी बोले, चाहे मीठी वाणी बोले, उतना ही समय लगेगा, उतनी ही शक्ति लगेगी। कटु वाणी बोलने में कम शक्ति लगेगी, कम समय लगेगा, मीठी वाणी बोलने में अधिक शक्ति लगेगी, अधिक समय लगेगा, ऐसा नहीं। समय तो उतना ही लगेगा, लेकिन परिणाम अलग अलग होता है। साहब ने साकी ग्रंथ में ही ये भी कहा है, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करेगा। शब्द के हाथ पांव नहीं होते, लेकिन शब्दों को संभाल करके बोलो। एक शब्द औषध का काम करता है और एक शब्द घाव का काम करता है। एक शब्द रोते हुए आदमी को हंसा देता है तो एक शब्द हंसते हुए आदमी को रुला देता है। एक शब्द ऐसा होता है जो बिगड़े हुए काम को बना देता है, तो एक शब्द ऐसा होता है जो बने हुए काम को बिगाड़ देता है। बोलने का तरीका मालूम हो तब, आदमी को बोलने का तरीका मालूम नहीं। इसीलिए स्वयं अशांत है और दूसरों को अशांत करता रहता है। बोलने का तरीका आदमी को मालूम हो और उचित ढंग से उचित बात उचित समय पर बोले तो आदमी का चंचल मन बहुत कुछ शांत हो जाए और दूसरों को भी बड़ा सुख और संतोष मिले। इस साकी में साहब कहते हैं, मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन औषध के समान होता है। कोई आदमी बीमार है, आप उसके पास गए, जा करके बैठे और प्रेम से बात किए, एकदम मीठी वाणी उससे बात किए, तो आपकी बात सुन करके वह कुछ देर अपनी पीड़ा को भूल जाएगा। जो डॉक्टर मरीजों से मुस्कुरा करके हंस करके बात करता है, आधे रोग को तुरंत हुआ खत्म कर देता है, और जो डॉक्टर रुखे ढंग से बात करता है, कड़वे शब्दों का प्रयोग करता हूं, डॉक्टर की दवा उतना काम नहीं करती, क्योंकि उससे रोगी का दिल और दुखी हो जाता है। दवाई तो दोनों देखते हैं, लेकिन जो जो डॉक्टर मुस्कुरा करके हंस करके प्रेम से बात करता है, उसे वह रोगी के दिल को जीत लेता है। तो आधा रोग तो डॉक्टर की मुस्कुराहट और प्रेम की वाणी दूर करती है और आधा रोग दवाई दूर करती है।
तो मीठी वाणी औसत के समान है। कोई आपके दरवाजे पर आया भूखा प्यासा भटकता हुआ और आप मिले उससे, कितना कहे आइए आइए पधारिए, बड़े सौभाग्य आपके दर्शन हो गए, किधर से पधार रहे हैं, क्या सेवा करूं। इतना आपकी बात सुनते ही उस वह आदमी अपना आधा दुख दर्द भूल जाएगा। कुछ घटा नहीं आपका, आपने कुछ दिया नहीं, केवल मीठी वाणी का प्रयोग किया, उसे बड़ी शांति मिलेगी। और कोई आदमी आपके दरवाजे पर आया और आप खूब अच्छे अच्छे व्यंजन उसे खिलाए, खूब स्वागत किए, सत्कार किए, लेकिन उसे बात किए तो कड़वाहट से कटु शब्दों में बात किए, तो आपने जो कुछ खिलाया वो सब का सब जहर हो जाएगा। प्रेम से सुखी रोटी खिलाओ तो सुखी रोटी अमृत बन जाती है, और दुर्भावना से कड़ता से कटु व्यवहार से किसी को 56 भोजन खिलाओ तो जहर बन जाएगा। तो मधुर वचन है औषधि। साहब कहते हैं मीठी वाणी औषध के समान है, इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करो, क्योंकि हम स्वयं मीठी वाणी चाहते हैं, तो मीठी वाणी लोगों को दे। कटु वचन है तीर। कटु वचन तीर के सदृश होते हैं, हृदय शरीर के किसी अंग में तीर चुभ जाए तो कितनी पीड़ा होती है, और किसी खास अंग में हृदय में या कंठ में वो तीर चुभ जाए तो प्राण घातक हो जाता है। लेकिन वो तीर का घाव भी कई बार मिट जाता है, कटुवाणी का घाव मिटता नहीं है। वह ताकत साले सकल शरीर कटुवाणी कान के रास्ते से प्रवेश करके पूरे शरीर को अंदर अंदर मथ देता है, पीड़ित कर देता है, आदमी भीतर भीतर एकदम व्याकुल बना रहता है कटुवाणी सुन करके, दुखी हो जाता है उसका मन, उसका जलता रहता है, रोता रहता है। एक उदाहरण आता है कि एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब, एक जंगल के पास रहता था, जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था, लकड़ी काट करके कट्ठर बांध सिर पर उठा करके लाता था, शहर में गांव में बेचता था और उसी से गुजर करता था। ऐसे जीवन चल रहा था। एक दिन लकड़ी काटने जंगल गया था तो रास्ते में एक शेर मिला। अब शेर को देख करके तो ये आदमी कांपने लगा। तो शेर ने कहा घबराओ मत, आओ मेरे पास। भयभीत हुआ, कहा शेर ने कहा घबराओ मत, आओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, आओ। तो गया तो शेर के पंजे में कांटा चुभ गया था और शेर निकाल नहीं पा रहा था। शेर ने उसे अपना पंजा दिखलाया, आदमी ने कांटा निकाल दिया, शेर का दर्द दूर हो गया, आराम से चलने फिरने लगा। कांटे कारण तो शेर चल फिर नहीं पा रहा था तो चलने फिरने लगा। शेर ने कहा बताओ मैं तेरी क्या सेवा करूं, तूने मेरी सेवा की, मेरे दर्द को दूर कर दिया, मुझे बहुत आराम मिला, तुम्हारी क्या सेवा करूं। कहा कि आप जंगल के राजा हैं, शेर हैं, जंगल में रहने वाले हैं, अब मैं तो गांव में रहने वाला आदमी कैसे होगा। तो शेर ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करता रहा, तुम गरीब और दुर्बल आदमी हो, लो रोज लकड़ी काटते, ऐसा करो तुम लकड़ी काट दिया करो और बोझा बना करके मेरी पीठ पर लाद दिया करो, और मैं तुम्हें गांव तक लकड़ी का बोझा पहुंचा दिया करूंगा, तुम्हारी ये सहायता हो जाएगी, तुमने मेरी सेवा की है तो मैं तो तुम्हारी यही सेवा कर लिया करूंगा। आदमी तैयार हो गया, अब रोज तो जितना बोझा बनाता था उसका दुगुना तिगुना बोझा बनाने लगा और शेर पर लाद देता था,
और शेर उसे गांव तक पहुंचा देता, फिर आदमी अपना बेच लेता था, ऐसे चलता रहा क्रम। एक बार वो आदमी लकड़ी काट करके बोझा बनाकर शेर पर लाद करके ला रहा था, तो दूसरे लोगों ने देखा, अरे ये आदमी शेर पर बोझा लाद करके ला रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा तो शेर तो आदमी को मार करके खा जाता है, कहता वो हो रहा उल्टा। लोगों ने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये तुम शेर पर बोझा ला करके ला रहे हो, कहीं शेर हो जाए, शेर कहीं मार खा जाएगा। तुमने कहा, अरे ये शेर नहीं है, पक्का गधा है, गधा। अब शेर को गधा कहो तो अपमान तो होगा ही, तो एक पक्का गधा है, गधा। शेर को बहुत पीड़ा हुई, मैं शेर हूं मुझे गधा कह रहा है, बोझा पटक दिया। और दूसरे दिन वो बोझा पटक चला गया, दूसरे दिन आदमी गया तो शेर फिर मिला, तो शेर ने कहा, ऐसा करो आ मेरे पास, तुम्हारा कुल्हाड़ी है ना, लकड़ी काटते हैं ना, इसी कुल्हाड़ी से मेरे मस्तक पर मारो, घाव करो। आदमी घबराया, कहा, शेर ने कहा ऐसा करो नहीं तो अभी तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। अब क्या करे बेचारा, डर के मारे दो तीन कुल्हाड़ी शेर के मस्तक पर मारा तो घाव हो गया, खून बहने लगे। अब शेर कहा, तुम चले जाओ, चला गया। महीना भर बीत गया, महीना भर के बाद जब आदमी फिर गया जंगल में लकड़ी काटने, तो शेर मिल गया। शेर ने कहा, आओ मेरे पास। गया, देखो तुमने मेरे मस्तक पर कुल्हाड़ी मारा था, घाव हुआ था, देखो अब घाव है या नहीं है। आदमी ने तो शेर शेर के मस्तक को छुआ छाया, कहा नहीं तो घाव तो मिट गया। तो शेर ने कहा, तुम रे मेरे मस्तक पर जो कुल्हाड़ी का घाव के तो भर गया, लेकिन जो तुमने मुझे कहा था गधा, वो घाव अभी तक भरा नहीं है। तुम्हारी तुमने जो कटु वचन का घाव किया मुझे गधा कहा, वो घाव अभी तक नहीं भरा है। तो एक कटु वचन तीर के समान होता है, जो हृदय को चुभ देने वाला होता है। साहब कहते हैं, इसलिए मीठे वचन औषध के समान है, मीठे वचन का ही प्रयोग करो। कटु वचन तीर के समान है, इसलिए किसी के साथ कटु वचन न बोलो, क्योंकि अपने को कटु वचन प्रिय नहीं होता है, किसी को प्रिय नहीं होता। कटु वचन बोल करके अपना मन अशांत होता है, दूसरे को पीड़ा होती है, इसलिए कटु वचन का त्याग करो और सबसे मीठी वाणी बोलो और मीठा ही व्यवहार करो।